हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट, जिसमें हमने बैलेंस शीट में ये लायबिलिटीज साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड हमने देखा था। अब उसका दूसरा पार्ट एसेट्स साइड, जिसमें नॉन करंट एसेट्स, बराबर नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, टेंजेबल फिक्स एसेट्स में टेंजेबल एसेट्स एंड इनटेंजेबल एसेट्स, बराबर वो भी हमें यहां देखनी। ये इस चैप्टर में नहीं, बाकी के 3 चैप्टर में भी हमें काम लगेगा, बराबर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, बराबर। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स, तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो यहां देखो, पहले एसेट्स में फिक्स एसेट्स, इसमें टेंजेबल, टेंजेबल में क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फीचर्स, व्हीकल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, लीज होल्ड एसेट्स, ये सब ऐसी है कि जो फिक्स है, बराबर। जो हमें एक बार परचेस कर दे तो 2-3 साल बाद हम बेचते नहीं है नॉर्मली, बराबर। और इनटेंजेबल एसेट्स, जिसमें क्या होता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एंड फ्रेंचाइजीज, बराबर। ये सब क्या है कि जो कोई एसेट्स नहीं है, कि कोई ऐसे नहीं कि हम छू सकते हैं उसको ऐसे, ये एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से गुडविल, पेटेंट, ये सब क्या है, ये इनविजिबल है, बराबर, इनटेंजेबल है, और ये हमें याद रखनी है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर, रिडीमेबल फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, शेयर एंड डिवेंचर ऑफ अदर कंपनी, जिसमें 12 मंथ से ज्यादा जो हमने पैसे लिए है, बराबर, पैसे दिए किसी को, तो वो क्या होगा, 12 मंथ से ज्यादा, फिक्स डिपोजिट विद द बैंक फॉर मोर देन 12 मंथ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर मोर देन 12 मंथ। उसके बाद यूनिट ऑफ द मैनुअल फंड, म्यूचुअल फंड फॉर मोर देन 12 मंथ, ये सब 12 मंथ से ज्यादा हो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हुआ, बराबर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और 12 मंथ से कम हो तो करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, बराबर। तो इसमें क्या होगा पहले, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, बराबर, लॉन्ग टर्म लोन है या तो एडवांस में पैसे दिए, तो उसके लिए क्या होगा, लोन टू द एम्प्लॉय फॉर मोर देन 12 मंथ्स, बराबर, एम्प्लॉय को हमें पैसे दिए है तो उसके लिए क्या आएगा, ये लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन में आएगा। कस्टम डिपॉजिट, बराबर, डिपॉजिट हमने पेड किया तो उसके लिए आएगा। टेलीफोन डिपॉजिट, एडवांस में डिपॉजिट पेड किए वो आएगा। इलेक्ट्रिक डिपॉजिट, वो भी एडवांस में पेड किए इसलिए आएगा, बराबर। देन अदर नॉन करंट एसेट्स, डिवेंचर डिस्काउंट टू बी अ रिटर्न ऑफ आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ, बराबर, नेक्स्ट 12 मंथ के बाद जो डिडक्शन करेंगे तो उसके लिए जो डिवेंचर डिस्काउंट है वो नॉन करंट एसेट्स की नहीं जाएगी, बराबर। एडवर्टाइजमेंट कंपिजियन एक्सपेंडिचर, बराबर, ये 12 मंथ से ज्यादा, आफ्टर 12 मंथ के लिए हमने एडवर्टाइज के लिए पैसे एक्सपेंस किए हुए हैं तो वो इसमें आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हमने जो पैसे खर्च किए है, बराबर, 12 मंथ से ज्यादा, बराबर, तो उसके लिए क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स में आएगा, बराबर, अदर नॉन करंट एसेट्स में। अब करंट एसेट्स में देखते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, जिसमें शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी लेस देन 12 मंथ, 12 मंथ से कम है तो उसके लिए यहां क्या करेंगे, अदर कंपनी शेयर एंड डिबेंचर आएगा, शेयर भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है। मार्केट मार्केटेबल सिक्योरिटी, बराबर, सिक्योरिटी वो 12 मंथ से कम सिक्योरिटी के ऐसे परचेस की है तो वो हमारी एसेट्स गिनी जाएगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो भी 12 मंथ से कम है तो वो भी हमारी एसेट्स गिनी जाएगी, करंट एसेट्स गिनी जाएगी। यूनिट्स ऑफ द मैनुअल फंड फॉर लेस देन 12 मंथ, बराबर, म्यूचुअल फंड हमने परचेस किया 12 मंथ से कम के लिए तो वो हमारे लिए क्या गिनी जाएगी, करंट इन्वेस्टमेंट, ओके। उसके बाद इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज में स्टॉक के रिलेटिव, मटेरियल के रिलेटिव जो भी चीज होगी वो हमें लिखनी है, बराबर। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल जो भी होगा, जो हमने परचेज किया है, कुछ चीज बनाने के लिए हमने परचेज किया है, वुडन है, आयरन है, तो जो परचेज किया है उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, यानी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा कंप्लीट हुआ है या आधे से कम कंप्लीट हुआ है, तो वो सेमी फिनिश गुड्स कहते हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, टोटली हमने कुछ बना दिया है, बराबर, टोटली पैकिंग के साथ वो बन गया है, तो उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं। ओके, देन स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेडिंग में अभी चल रहा है स्टॉक, बराबर। लूज टूल, टूल के लिए नॉर्मल जो पाना पकड़ वो सब होता है, तो वो स्टूल। स्पेयर पार्ट्स, उसमें भी वैसे ही है, बराबर। कंज्यूमर स्टोर्स, स्टोर्स के लिए जो हमने एक्सपेंस किए हुए वो। गुड्स इन द ट्रांजिस्ट, बराबर, ट्रांजिस्ट के लिए जो भी गुड्स है तो उसके लिए यहाँ लिखा जाएगा, बराबर। देन उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, यहां देखो ये करंट एसेट्स में, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल, बराबर, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज देखी, अब ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स, जिसमें हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, बराबर, ये दोनों यहाँ आएंगे। ट्रेड पेबल होगा तो वो उसमें जाएगा, लाइबिलिटीज में, और यहाँ रिसीवेबल आएगा। कैश एंड कैश इक्विपमेंट, कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस और चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, बराबर, जो हमारे पास चेक और ड्राफ्ट है तो वो भी हमारी क्या गिनी जाएगी, कैश गिनी जाएगी, बराबर। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, बराबर, लोन एडवांस फॉर द लेस देन 12 मंथ, 12 मंथ से कम है तो वो शॉर्ट टर्म लोन गिनी जाएगी। एडवांस टू द सप्लायर, बराबर, सप्लाई को 12 मंथ के लिए कम के लिए हमने एडवांस दिए तो वो इसमें लिखा जाएगा। अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बराबर, इनकम जो भी है वो भी रिसीव मिली नहीं है, बराबर, फ्यूचर में मिलने वाली है, बराबर, तो वो यहां लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट कॉम्पेंसेशन एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ द ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ, बराबर, 12 मंथ से ज्यादा कम है तो उसके लिए जो एडवर्टाइज के लिए एक्सपेंस किया हुआ है वो लिखेंगे। डिवेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ द ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ, बराबर, नेक्स्ट 12 मंथ इसके आगे के ईयर के लिए हमें डिवेंचर डिस्काउंट दिए हुए वो लिखेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ द ड्यूरिंग, बराबर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करंट ईयर के लिए जो भी एक्सपेंस किया है वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ के लिए, बराबर, जो भी एडवांस में हमने पैसे दिए वो हमें यहां लिखेंगे, बराबर। सेम वैसे ये कंप्लीट, आपको सिर्फ ये अंदर वाली अमाउंट तो सिर्फ याद रखने के लिए 2 से 3 बार पढ़ना है, बराबर। मेन परफेक्ट याद करना क्या है, ये बैलेंस शीट वाला, ये पूरा टेबल आपको परफेक्ट याद करना पड़ेगा, बराबर, लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला और एसेट्स वाला, वो कंप्लीट आपको परफेक्ट याद करना पड़ेगा, बराबर। और ये 2 से 3 बार पढ़ लो आराम से, कौन सी अमाउंट किसके अंदर आती है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखेंगे, बराबर।